नमस्कार दोस्तों दोस्तों, अगर आपको सावन के दिनों में महादेव शिव दिखाई देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों, जिस व्यक्ति के सपने में भगवान शिव दिखाई देते हैं, हर किसी के सपने में नहीं दिखाई देते। अगर किसी को भगवान शिव दिखाई देते हैं, उस व्यक्ति में कुछ खास ही बात होती है। ऐसे ही हर किसी के सपने में महादेव सपने में नहीं दिखाई देते। सपनों में भविष्य के संकेत जुड़े होते हैं, खासकर जब जब भगवान शिव दिखाई देते हैं। समझ जाए कि भविष्य में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा चमत्कार होगा जिसका आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। आपको बता दे, सपने हर कोई देखता है। किसी को अच्छे सपने आते हैं तो किसी को बुरे सपने आते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि सपने में अगर आपको सावन के दिनों में भगवान शिव दिखाई देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, सपने में अलग अलग भगवान को देखने के अलग अलग संकेत होते हैं, जिनमें महादेव को देखना ज्यादा फलदायी माना जाता है। जिन व्यक्ति को सपने में महादेव दिखाई देते हैं, वह व्यक्ति बहुत ही खास होता है और एक पवित्र सच्चा इंसान भी होता है। अगर आपके सपने में भी भगवान महादेव दिखाई देते हैं तो समझ जाए कि आपके दुश्मनों का नाश होने वाला है। आपको बता दूं, भगवान आकर आपकी दुश्मनों से रक्षा करते हैं, इससे आपकी उम्र भी बढ़ती है। और अगर आपको कोई बीमारी होती है तो वह जल्दी ठीक होने का संकेत माना जाता है। अगर आपके सपने में माता पार्वती या भगवान शिव मंदिर में दिखाई देते हैं या आपको सपने में दिखाई देते हैं तो समझ जाए कि आप एक अच्छे पवित्र इंसान है। आपकी प्रार्थना सुन ली गई है और आपको धन दौलत सुख समृद्धि सब देने वाले हैं। सपने में भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ देखने का मतलब यह भी होता है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। अगर सपने में माता पार्वती और भगवान शिव मुस्कुराते हुए नजर आते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी जितनी भी समस्याएं थी वे दूर होने वाली हैं। दोस्तों, अगर आपको सपने में त्रिशूल दिखाई देता है तो इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों, त्रिशूल भगवान शिव का शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, भगवान शिव त्रिशूल का अगर आपको सपने में दिखाई देता तो आपका कार्य क्षेत्र में वृद्धि होने वाली है। आपकी जितनी भी समस्याएं थी वे दूर होने वाली है। आप जो भी नया काम करने वाले हैं उसमें सफलता निश्चित ही होने वाली है। दोस्तों, अगर आप सपने में शिवलिंग को देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आपके जितने भी शत्रु है उस पर आप विजय प्राप्त करेंगे, परेशानी आपकी मिटेंगी और धन में वृद्धि होगी, यानी आप हर काम में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप सपने में रुद्राक्ष को देखते हैं, रुद्राक्ष की माला को देखते हैं, आपके जीवन में जितनी भी परेशानी कठिनाई है उन सबसे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप सपने में भगवान शिव जी का चांद देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? शिव जी के सिर पर लगा हुआ चांद दरअसल ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ये सपना देखने का मतलब आपको कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है। ये फैसला शादी विवाह शिक्षा आदि से संबंधित हो सकता है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए।